अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। कैसे आएगा? वो तो ससुर सामने वाला साहूकार ले गया। साहूकार? हाँ राजा, वो 10,000 के इनाम के लिए 1,000 रुपए की मन्नत मांगा था भगवान के सामने, और तू तो का 10 रुपया चढ़ाना मंजूर नहीं, फिर तो का इनाम कैसे मिलेगा? तेरा मतलब है भगवान को रिश्वत दिए बिना हम इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते? एक आनंद, कोई तेरे को 10 देने को तैयार हो और दूसरा 100 देने को तैयार हो तो तू किसका काम करेगा? अरे बोल, 100 वाले का और किसका? ए भाई, वही भगवान करता है, जो उसको ज्यादा देता है उस पर ज्यादा मेहरबानी करता है। मैं जो कुछ भी कमाता हूँ अपने मेहनत से कमाता हूँ, अपने दिमाग से पैदा करता हूँ, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं, कोई मेहरबानी नहीं। तो तेरे ख्याल में वो सब बेवकूफ़ है क्या जो भगवान के मंदिर में जाके उसके चरणों में चढ़ावा चढ़ाते हैं? हाँ बोल। और नहीं तो क्या, हर साल लाखों विद्यार्थी बैठते हैं परीक्षा देने के लिए और अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सारे के सारे पास हो जाते हैं क्या? इलेक्शन में सैकड़ों नेता असेंबली और पार्लियामेंट के लिए खड़े होते हैं और सारे के सारे न जाने भगवान से क्या क्या वादे करते हैं, वो सब के सब चुने जाते हैं क्या? हार और जीत का फैसला आकाश में बैठा हुआ भगवान नहीं करता, इंसान खुद करता है अपनी मेहनत से, अपनी अकल से। यही तो मूर्खता है तेरी, मेहनत से इंसान 2 वक्त की रोटी कमा सकता है, लखपति नहीं बन सकता। अरे मेरी मान, अब के तू लॉटरी का या जैकपॉट का टिकट खरीद ले, अगर किस्मत ने तेरे को साथ दिया तो तू लाखों की रकम का मालिक बनेगा। रे देख मिला राम, मैं जुआ नहीं खेलता, न लॉटरी न रेस। पहली भी तो एक किस्म का जुआ ही है। कैसे? अबे अकल के दुश्मन, पहलियों के लिए माथा फोड़ना पड़ता है माथा। मुझे भाग्य की रेखाओं और भगवान की दया पे नहीं, अपने अकल अपने दिमाग पर पूरा विश्वास। तू अपने आप को अकलमंद समझता है? मेरे तो अब की बार
10,000 रुपए का इनाम रखा है पहले के लिए, उसे जीत के बता। हाँ, देखें तुम्हारे कल के घोड़े कितने तेज दौड़ते हैं। ठीक है, देख लेना, अब की बार मैं इनाम लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा। आनंद भैया, इंसान कौन होता लेने वाला जब तक वो दाता देने के लिए तैयार ना हो। भैया, जिस तरह माँ जानती है उसी तरह वो जानता है कि उसके किस बच्चे को किस चीज की कितनी जरूरत है और वो जरूरत कैसे पूरी करनी चाहिए, समझे? हाँ कादर मियां, वो सब जानता है किसको किस चीज की कितनी जरूरत है। पिताजी। ये क्या, तुमने हाथ नहीं जोड़े, सीधा थाली पे हाथ मारा और पेड़ा मुंह में डाल लिया। तो क्या हुआ, बिना हाथ जोड़े आदमी कोई चीज मुंह में डाल ले तो गले में अटक जाती है क्या? ये प्रसाद है भगवान का। प्रसाद? ये प्रसाद उसने अपने हाथों से बनाकर यहाँ भेजा है। अरे भाई, पेड़ा हम खुद खरीदते हैं अपने पैसों से, खुद तोड़ते हैं अपने हाथों से, और समझते हैं उसने भेज दिया तुम्हारे बंसी वाले ने। कल तुम कहोगे हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ खाते पीते हैं, वो भी सब उसी का दिया हुआ है, तुम्हारे कृष्ण भगवान का। सब मुफ्त है। तुम सब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ अपने अपने काम करो, जाओ। बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हो बच्चों, कल तुम्हारी तरह वो भी कहेंगे भगवान है ही नहीं। भाई मैं ये नहीं कहता भगवान नहीं है, वो है, लेकिन कहाँ, जहाँ ये, और वहां से वो बेचारा यहाँ आ नहीं सकता, जानती हो क्यों? बैठ, देखो तपती हुई धूप में जलती हुई सड़क पर पैदल चलते हुए उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। साइकिल पर वो आ नहीं सकता क्योंकि दो पहियों का चरखा चलाना उसे आता नहीं। रथ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी सड़कों पर घोड़ा घाड़ी चलाना मना है। हाँ, वो मोटर में आ सकता है, लेकिन तुम्हें मालूम है इन दिनों सोने की कीमत कम है पेट्रोल की ज्यादा। बस पे कैसे चढ़े बेचारा, इतना भीड़ भड़का होता है, और फिर बस में पैसेंजर कम, जेब खतरे ज्यादा होते हैं, और तुम्हारा कृष्ण भगवान सोने जवाहरात से लदा हुआ रहता है। अब और क्या रहेगा, ट्रेन। ट्रेन की बात ही छोड़ दो ना, वो कब आएगी और कब जाएगी वो भगवान भी नहीं जानता। इसलिए इन सब बातों को सोचते हुए तुम्हारा भगवान बड़े आराम से मंदिर में सोने के सिंहासन पर पत्थर की मूर्ति बनकर जम गए। बहुत हुआ, अब आराम से चल के खाना खाओ। चलो ना, तुम ही तो देर कर रही हो, जाओ। अरे तू यहाँ भी किताब लेके आ गया, रख दो उसे, खाना प्रेशर मार। अरे इसे भी दो रोटी दो, इसे भी देना। नो मैं नहीं, बस कितना अच्छा लगता है सब इस तरह मिलके बैठ के खा रहे हैं। अच्छा तो लगता है भगवान, लेकिन खा क्या रहे हैं, दाल खीर नहीं। काश हम अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकते। शुक्र करो भगवान का, इतना भी देता है। क्या देता है, बड़ा लड़का कॉलेज में पढ़ता है, उसकी फीस भरने के लिए हर महीने हजारों मौतें मरनी पड़ती है, छोटे की किताबें खरीदने के लिए कितना खून पसीना एक करना पड़ता है, मुझसे पूछो। तुम इसे भी भगवान का वरदान समझो, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें इतना भी नसीब नहीं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, लेकिन भगवान ने अपनी लक्ष्मी उनके घर में भेज दिया रहने के लिए। 80 पैसे भैया, 20 पैसे की चिल्लत तो है नहीं, तो तुम तो रोज आते हो ना, कल हिसाब बराबर हो जाएगा। सरदार जी, 30 पैसे के चेंज तो है नहीं, आप तो रोज आते हैं ना। कोई बात नहीं, कल सब बराबर। सरदार जी चिल्लर निकल आए गले में, हम आए ना रास्ते पर। ₹2 का बिल, ₹100 का नोट, कल में। सेठ जी, आपसे काम है। बोलो बोलो। तनख्वाह तो मुझे सवेरे मिल गई है, लेकिन मुझे ₹25 एडवांस चाहिए, लड़के की फीस भरनी है। वही जो कॉलेज में पढ़ रहा है। जी हाँ,
मैं पूछता हूँ पढ़ने लिखने के बाद भी वो बन क्या जाए? आईएएस अफसर, कलेक्टर, मिनिस्टर, उसे बाद में जो बनना है वो अभी बना दो। होटल का बेरर नहीं से चुकी, ये होटल की नौकरी मेरे साथ ही खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा सुनो, बबूल के पेड़ पे कांटे उगते हैं, आम का फल नहीं लगता। एक पैसे लो। लाला बिल्ला बिल्ला फिर कहाँ आएगा? पैसे तुम निकालो, मैंने तो 100 रुपए का नोट दिया है। तुमने दिया? हाँ, देखो दराज, वो पड़ा है नोट। ये? हाँ। क्यों मजाक कर रहे हो भैया? देख रहे हो भाइयों, गले पे दुकानदार नहीं डाकू बैठा हुआ है। डाकू 100 रुपए का नोट लिया और मुकर रहा है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। लाओ मेरा नोट। ए, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। इसी तरह नोट रख दे वरना बत्ती से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। जा। बिल नहीं दिया। ए, इधर आ। बिल के पैसे निकाल। देख तू मेरे बाप। बस, आप लोग तमाशा देख रहे हैं यहाँ का? शाबाश, शाबाश। नौकर तुम्हारी तरह ईमानदार होना चाहिए। जा। तो, मधु। सूरज जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये कैसा नाम? तुम्हारी बेटी कमला के लिए रिश्ता लेके आया हूँ। घर भी अच्छा है और लड़का भी बहुत अच्छा है। अच्छा, काम क्या करता है? काम क्या पूछते हो, हजारों लोगों को अपने हाथ से सुबह शाम खिलाता है। होटल का बैरा है क्या? जी सूरज जी, सर ठिकाने है कि नहीं, मैं अपनी एकलौती बेटी की शादी एक बैरा के साथ करूंगा। वो बैरा है तो तुम क्या हो, होटल के मालिक? अरे भाई, जैसे तुम नौकर हो वैसे वो भी नौकर है। इस तरह कितने रिश्ते वापस करोगे? तो और क्या करूं मैं, मेरे बच्चे गरीब के घर में जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता वो सारी उम्र गरीबी के दलदल में गुजार। तुम तो खामखा गरीबी और अमीरी का झंडा लेके खड़े हो गए। वो होटल में नौकरी करता है तो क्या पाप करता है? मैं तो कहती हूँ, आदमी जिस काम से अपने खानदान का पेट इज्जत से पाल सके वो काम बुरा नहीं है, वो काम छोटा नहीं है। हाँ, जैसे मैं पाल रहा हूँ तुम्हें और अपने सारे खानदान। अदरी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कुछ ना कुछ जरूर बने जिंदगी में। यही तो जड़ है सारी मुसीबत की। हर आदमी दूसरे आदमी से जलता है। सड़क पे पैदल चलने वाला साइकिल वाले से जलता है, साइकिल पे सवारी करने वाला मोटर वाले से जलता है। काश वो तीनों सड़क के किनारे पे पड़े हुए उस आदमी की तरफ देख सके जिस बेचारे के पास टांगे ही नहीं है चलने के लिए। दुनिया में सब्र से बड़ी कोई दौलत नहीं। ये झूठ है जो घुट्टी बना के हमें पिलाया गया है हमारे आंसू पोंछने के लिए। सच तो ये है, सब्र दौलत से, इज्जत भी दौलत से है, दर्जा भी दौलत से। ये दुनिया का सारा चक्कर है ना दौलत के गिर्द घूमता है। एक बार ये दौलत मेरे हाथ में आ जाए सारी दुनिया को मुट्ठी में ले सकता हूँ। मगर एक चीज किस्मत भी है। जिसे तुम किस्मत कह दिया ना, देखना एक दिन मैं उसे बदल कर दिखा दूंगा। दिखा देना, पहले मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। किस्मत। हाँ, पुरोहित जी की वजह से दिमाग खड़बड़ा गया, भूल ही गया मैं। ये लो तनख्वाह। सुनो, पिछली बार तुमने बनिए को पैसे दिए थे और दूध वाले के रोक लिए थे ना? अब की बार तुम दूध वाले को पैसे देना और बनिए के रोक लेना।
पहले से तुम्हें कुर्ते खरीदने चाहिए अपने लिए। कुर्तों के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अभी तो मधु की फीस भरनी है, वरना वो इम्तिहान में नहीं बैठ सकेगा। फीस की फिक्र तुम मत करो, मधु ने कॉलेज छोड़ के नौकरी कर ली। क्या, कॉलेज छोड़ के नौकरी कर ली? हाँ, एक बड़े होटल में बहरा हो गया। मधु ने जब मेरे पांव पे गिर के कहा, अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, वो तुम्हारे साथ मिलके घर का बोझ बांटना चाहता है, तो मैं इनकार न कर सकी। उसे अपनी पढ़ाई अधूरे रह जाने का इतना अफसोस नहीं, जितनी खुशी है कि गोविंद तो उतना पढ़ जाएगा जितना तुम चाहते हो। मैंने तुम पे हाथ नहीं उठाया अपनी कमजोरी छुपाने के लिए। मैं कमजोर हूं गायत्री, क्योंकि मेरे पास रुपया नहीं है जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए मुझे माफ कर। पर बहुत मुश्किल था ना? हाँ, कल क्या है? इंग्लिश और क्या है ना? पढ़ाई हो गई? प्रिपेयर्ड? कुछ नहीं। प्रिपेयर्ड और नॉट? ओ नो। ओहो, थ्री कॉफीज प्लीज। नहीं, मेरे लिए फ्रूट जूस। अच्छा, टू कॉफीज एंड वन फ्रूट। कॉफीज। मधु, तुम यहाँ? टू कॉफीज, फ्रूट जूस, वन फ्रूट जूस। या अरे, तुम तो बड़ी चालाक निकली, उस हैंडसम बैरे से कब से दोस्ती हुई? नहीं रूपा, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, हमेशा फर्स्ट आया करता था। मधु को बैरे क्यों बनना पड़ा? इसलिए बनना पड़ा बेटी, हमारे पास देने के लिए फीस के पैसे नहीं थे। फीस के पैसे मैं दे देती हूँ, मधु की पढ़ाई अधूरी नहीं रहनी चाहिए। नहीं बेटी, ये रुपये मैं नहीं ले सकती। मालूम होता है आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचानती तो ऐसी बात कभी ना कहती। चाची जी, मैं राधा हूँ। राधा? अपने लकीराम जी की बेटी? जी कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, बैठो बेटी। जीने के लिए क्या जरूरी है, हवा या पानी? हवा या पानी, अरे दोनों जरूरी है, लेकिन पानी के बगैर आदमी कई दिन तक जी सकता है, हवा के बगैर आदमी चंद मिनटों में दम तोड़ता है। हवा, चलो हवा। देश की उन्नति कौन ज्यादा रोकता है, ज्यादा कीमतें या ज्यादा आबादी? ज्यादा आबादी। आबादी कम हो तो कीमतें कम होती हैं। और ये बिल्कुल ठीक कहा तू। भर दिए सब? हाँ भर दिए, लेकिन जानते हो कितने फार्म हो गए हैं? 50। 50 तो होने ही थे। हमने चारों तरफ से नाकाबंदी की है इनाम की, कोई चांस नहीं छोड़ा इसका हाथ से खिसकने का। पर तेरे को मालूम है क्या रे, कितना दाखला भरना पड़ेगा? 50 रुपए। देखो, 5 आदमी मिल जाएंगे तो 10-10 देने पड़ेंगे, और आएंगे एक एक के हाथ में 2000। सच्ची? हाँ, 10,000 का इनाम है, 10,000 का। बोल अवलाल, क्या कहता है तू? मैं तो कुछ नहीं कहता। मेरा ज्योतिषी कहता है भागीदारी में कोई काम नहीं करना, हमेशा घाटा ही पड़ेगा। क्यों रे, तेरा जोशी क्या कहता है भीमसेन? वो तो कुछ नहीं कही थे बेचारा, पर ससुरी हमार बीबी और 7 बच्चा कही थे कि तुम पहले ही बहुत उजाड़ कर चुको इस नाम के चक्कर में, अब की तुम कानू पहली भरी तो हम धक्का मार के तो का घर से निकाल दे। देखो ठीक है, तू अपनी बीवी और 7 बच्चों को खुश रख। लादे, ये सारे 50 के 50 फार्म मैं ही भेजूंगा और इनाम जीत कर रहूंगा, देखना तुम सब लोग पछताओ। कादर मियां, आओ आनंद भैया आओ, सलीम बेटे
अपनी अम्मा से कह दे एक प्याली चाय भेज दे। जी बेटा। कहो कैसे आना हुआ भाई? कादर मियां मुझे 50 रुपये चाहिए। 50 रुपये? इतने रुपए तो नहीं है मेरे भाई, लेकिन जो कुछ है हाजिर है। सबके सब ले लो, ये लो ये लो। सबके सब मुझे दे दोगे तो कल मंडी से भाजी तरकारी कैसे खरीदोगे? मेरे लिए अपना धंधा बंद कर दोगे? आनंद भैया, धंधा चलाने वाला तो वो है ऊपर वाला। जिस तरह उसने तुम्हें भेजा मेरे पास रुपये लेने के लिए, कल वो किसी और को भेज देगा रुपये देने के लिए। अरे कादर मियां, तब तो ये पैसे मैं नहीं लूंगा। मुझे उस पर इतना एतबार नहीं है जितना तुम्हें है। कमाल है, 50 चाहिए थे और पूरे 50 मिल गए। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम छुपा क्या रहे हो? कुछ भी तो नहीं। ये रुपए तुमने हुंडी से निकाले हैं? हाँ, मुझे अपनी पहेलियों का दाखला भरना है। तुम्हारी पहेलियों की बीमारी अब इतनी बढ़ गई है कि तुमने हुंडी से रुपए निकाल लिए? निकाल लिए तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है मैं किस तरह पाई पाई करके घर के खर्चे बचाती हूँ और हुंडी में डालती हूँ। मैंने मन्नत मानी है भगवान के जन्मदिन पे गरीबों को खाना खिलाऊंगी। देखो गायत्री, तुम गरीबों को खाना अब भी खिलाओगी? मुझे पूरा विश्वास है आपके 10,000 का इनाम मुझे ही मिलेगा। इनाम मिलते ही मैं तुम्हारे भगवान के पैसे चुका दूंगा सूद के साथ। और इनाम ना मिला तो समझ लेना तुम्हारे भगवान की किस्मत खराब है। अरे मुंह क्यों फुला रही हो? जरा सोचो ये रुपया था किसका? मेरा है ना? तुम्हारा था, लेकिन जब किसी और को दे दिया गया तो वो उसका हो गया। उसके बाद वो रुपया उठा लेना या निकाल लेना चोरी है चोरी। अगर ये चोरी है ना तो तुम्हारा भगवान भी चोर है। मटकियों से मक्खन वो चुराता था, गोपियों के कपड़े वो उड़ाता था। भगवान जो कुछ करता है उसके पीछे कोई अर्थ होता है, परम अर्थ होता है। मैंने भी जो कुछ किया है ना उसके पीछे कोई अर्थ है, परम अर्थ है। परम अर्थ? तुम्हें मालूम है ये रुपए देखे तुम भगवान के करीदार हो गए हो। ए, कौन हो तुम? पहचाना नहीं? मैं हूं। मैं कौन? कृष्ण। किशन? किराया का मुकुट पहन के कोई किशन बन जाता है? कौन सी ड्रामा कंपनी में काम करते हो? पहले ये बताओ तुम ऊपर कैसा है? मेरे लिए ऊपर नीचे आगे पीछे सब बराबर है। जो हर जगह मौजूद हो उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो अपने पांव हिलाए बगैर तुम वहां से यहां पहुंच कर दिखाओ। अब यहां आकर बताओ। चलो एक मिनट के लिए मान लेता हूं तुम सचमुच के किशन भगवान, लेकिन एक बात बताओ, इतनी रात गए तुम अपना वैकुंठ छोड़ के इस गरीब के झोपड़े में क्यों पधारे हो? मैं अपने पैसे मांगने आया हूं। कौन से पैसे? वही
जो तुमने मेरी हुंडी से निकाले हैं? अरे भाई वो रुपया मैंने कमाया, मैंने अपनी बीवी को दिया, उसने हुंडी में डाला, मुझे जरूरत थी मैंने निकाल लिए, उसमें कौन सा अनर्थ हो गया? अनर्थ रुपया निकालने में नहीं, तुम्हारी मैं में है, मेरा में है। तुम्हारा अहंकार ओंकार से ज्यादा ऊंचा गूंजता है। देखो ये अहंकार और ओंकार के झंझट में मुझे मत डालो, सीधी बात करो, हम बैंक में रखा हुआ अपना रुपया निकाल नहीं सकते? रुपया तुम्हारे हिसाब में जमा हो तो तुम निकाल सकते हो, परंतु तुमने दूसरे के हिसाब में जमा किया हो तो तुम नहीं निकाल सकते। ये रुपया मेरे नाम में जमा था इसलिए मेरा हो गया। कितना आसान है इस तरह हंस के कहना वो रुपया मेरा हो गया। अरे उनसे पूछो जिन्हें रुपया कमाना पड़ता है, जिन्हें हर रोज मरना पड़ता है अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए। काश एक बार तुम कलयुग में पैदा हुए होते, और वो भी आज के जमाने में, किसी अमीर के घर में नहीं एक गरीब के झोपड़े में, और तुम्हें भी हाथ में राशन कार्ड लेकर आधा दिन घासलेट की लाइन में और आधा दिन गेहूं की कतार में खड़ा रहना पड़ता, और शाम को दुकान बंद हो जाती तुम्हारी बारी आए बिना, तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होता। राज, गरीब जीता है तो एक टुकड़ा रोटी का नसीब नहीं होता पेट भरने के लिए, मरता है तो चार घेरा कपड़ा हाथ नहीं लगता कफन के लिए। तुम क्या जानो गरीबों का दुख दर्द? संसार का हर दुख मेरा दुख है। पिता हमस्य जगतो माता थाता पिता महा। ठहरो 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 ठहरो, ये संस्कृत के उल्टे सुलटे श्लोक सुना के मुझे उलझाओ नहीं, मैं सीधा साधा आदमी, मुझसे सीधी सादी हिंदुस्तानी भाषा में बात करो जो मैं समझता हूँ। ये सारा संसार मेरा परिवार है, इसका पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, विधाता भी मैं हूँ। अच्छा विधाता जी, इतना मुझे बताओ, तुम अपने एक बेटे को अमीर और दूसरे को गरीब क्यों बनाते हो? चुप क्यों हो, मेरे सवाल का जवाब दो। वो गरीब और अमीर बनते हैं अपने पिछले कर्म से, उन्हें जन्म मैं देता हूँ परंतु उनका भाग्य लिखते हैं उनके अपने पुण्य अपने पाप। अच्छा अच्छा, वो अमीर और गरीब बनते हैं अपने पिछले कर्मों से। वाह अच्छी कौड़ी भेजी है। आनंद, तुम्हें समझाने के लिए मैं इंसान के जीवन को एक बैंक कह सकता हूँ, कर्मा बैंक, जिसकी किताबों में दो खाने होते हैं, एक पिछले जन्म में किए हुए पुण्य का, दूसरा पाप का। आदमी को जो सुख मिलता है वो पुण्य के खाते से मिलता है, और जो दुख मिलता है वो पाप के खाते से। ये बैंक का भाषण छोड़ो महाराज, काम की बात करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम्हारे इस पाप और पुण्य के खाते में मेरा क्या हिसाब लिखा है, मुझे देना कितना है और लेना कितना है? वो मैं कैसे बताऊं? क्यों, फिर कैसे भगवान हो तुम? तुम्हें इतना बता दूं तुम्हारे कितने पापों का हिसाब अभी बाकी है तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा आनंद, और तुम्हें ये मालूम हो जाए तुम्हारा कौन सा पुण्य तुम्हें क्या फल देने वाला है तो तुम मन की शांति खो बैठोगे। अब तुम्हें एक ही दुख है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। दुखों का असली जुलूस तो उस समय शुरू होगा आनंद जब तुम्हारे पास पैसा आएगा। किशन महाराज, एक बार पैसा आ जाने दो मेरे पास, फिर तुम देखना दुखों के जुलूस खत्म हो जाएंगे, खुशियों की बारात निकलेगी मेरे घर से। मैं तुम्हें दिखा दूंगा रुपया क्या होता है, रुपये की ताकत क्या होती है। ताकत तो हम देख ही लेंगे, परंतु इस समय इतना तो बता दो रुपया आने पे तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दूंगा। शिक्षा तुम दोगे? हाँ मैं। और रुपया आएगा तो क्या करोगे? मैं अपनी लाडली बेटी की शादी करूंगा ऊंचे से ऊंचे घर में, जहां दौलत की ठंडी छांव में वो सुख से रहे। अच्छा, तो तुम अपनी बेटी के सुख का ठेका भी ले सकते हो तुम? हाँ मैं। अच्छा, उसके बाद और रुपया आएगा तो क्या करोगे? और मिलेगा तो मैं चलने फिरने के लिए अपनी टांगे नहीं तोड़ूंगा, एक फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन गाड़ी में जाऊंगा। बस नहीं नहीं, फिर मैं जमीनें खरीदूंगा, जायदादें हासिल करूंगा, और फिर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दूंगा तुम्हारे आकाश को छूती हुई। और रुपया आएगा तो क्या खरीदोगे? तो मैं सारी दुनिया खरीदूंगा, और फिर तुम्हें भी। मुझे भी? हाँ तुम्हें भी। तुम्हें खरीदना तो और भी आसान है किशन महाराज, तुम तो रोज बेचे जाते हो अपने मंदिरों में, बाहर तुम्हारा प्रसाद बिकता है अंदर तुम्हारा दर्शन बिकता है। जो बड़े बड़े टिकट खरीद सकते हैं उन्हें सीधा तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाता है, और जो बेचारे गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो घंटों बाहर खड़े रहते हैं, और जब वो तुम्हारे पास पहुंचते हैं तुम्हारी एक झलक भी नहीं देख पाते, उन्हें धक्के देकर आगे हकम दिया जाता है। यही तुम भूल कर रहे हो आनंद, जो बड़े बड़े टिकट खरीद सकते हैं वो सिर्फ मेरी मूर्ति को देख पाते हैं, जो पैसा नहीं भक्ति लेके आते हैं मेरे पास
उन्हें मूर्ति के नहीं मेरे दर्शन होते हैं। मेरे बुरा न मानो तो एक बात कहूँ कृष्ण महाराज, तुम दर्शन भक्तों को देते रहना, मेरे पास तुम सिर्फ दौलत भेज दो, सिर्फ दौलत। अच्छा तो सिर्फ दौलत चाहिए ना तुम्हें? हाँ। दौलत तुम्हें मिल जाएगी। नहीं कब? बहुत जल्दी। अच्छा कितनी? वो तो मिलने पर तुम्हें मालूम हो ही जाएगा, पर इतना तो बता दो मुझे क्या दोगे? कमीशन है? कमीशन? तुम भी एजेंटी का धंधा करते हो क्या? क्यों, ये मंदिरों में सोने चांदी के अंबार लगे हुए हैं वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए? खैर अगर तुम उतर ही आए हो सौदेबाजी पर तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें 1,000 रुपये 50 दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है, परंतु आनंद तुम अपने सौदे से पलट नहीं जाना, और याद रखना हुंडी का हिसाब अलग होगा, कमीशन का अलग। ठीक है, बाधा मत भूलना। गायत्री, अरे गायत्री उठो उठो जल्दी। क्या हुआ? अभी अभी तुम्हारे भगवान किशन ने मुझे दर्शन दिए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ है? क्या कर रही हो? कमला उठो, कमला, मधु, गोविंद, मधु उठो, इधर आ, चलो सब अपने पिता के पांव छो, इनके चरणों की धूल लो। क्या हुआ माँ? इनको नींद में भगवान के दर्शन हुए। अरे मैं नींद में नहीं था, मेरी आंखें खुली थी जैसे आप खुली है। मैं नहीं माँ, पिताजी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? ना ये पूजा करते हैं ना उसके भजन गाते हैं, आप बताइए कैसे दर्शन हो सकते हैं भगवान के? अरे ये दर्शन वैसे नहीं थे जैसे भगवान अपने भगत को देता है, वो तो हुंडी के पैसे वसूल करने आया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुमने उसकी हुंडी से रुपए निकाले हैं, वो तुम्हें चैन से सोने नहीं देगा। अच्छा पिताजी एक बात बताइए, ये भगवान लगता कैसा है? शाहू मोदक जैसा या महिपाल जैसा? बिल्कुल ऐसा जैसे इस मूर्ति में लगता है। वैसे ही कपड़े, वैसे ही गहने पहन रखे थे क्या? हाँ। गहने सोने के थे या पीतल के? उसके हाथ में बंसुरी थी या सुदर्शन चक्र? बंसुरी होगी तो बजाई जरूर होगी पिताजी, तुम कौन सी थी? अब मुझे याद नहीं। याद नहीं? एक काम करिए उसके हुंडी के पैसे वापस मत दीजिए, वो आएगा तुम याद कर लीजिए। मैं भगवान से गीता पढ़ना चाहती हूँ, जब आएंगे तो मुझे बुलाएंगे। मुझे भी पिताजी, मुझे भी योगीराज से कहिए मुझे उनसे योग सीखना है। कहीं मैं भी सीखूंगा पिताजी, मैं भी सीखूंगा। लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, जान छोड़ो मेरी, मैंने कोई भगवान भगवान नहीं देखा है। जाओ सो जाओ, तुम भी आओ। कहिए ना। हां जी ना। हां जी सारे पैसे। अरे मेरा इनाम निकला है, इनाम। मधु पास ही नौकरी छोड़ दे, मैं तुम दोनों को खूब पढ़ाऊंगा, ऊंची से ऊंची तालीम दूंगा, अमेरिका लंदन भेजूंगा, और फिर बड़ी धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी करूंगा। तुम सब देखा, अब मेरे पास रुपया आ गया है, मैं 10,000 के लाख कैसे बनाता हूँ, 1,00,000 के 10 लाख और 10,00,000 के 50 लाख कैसे बनाता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अपने घर जाओ, मैं हिसाब करके दुकान बंद करता हूँ। अच्छा सेठ जी, नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए कृष्ण महाराज। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी मैं तुम्हें को याद करा था। क्यों?
पिछली बार तुमने कहा था ना कि मुझे माल मिलने वाला है, कब मिलेगा? माल मिला नहीं तुम्हें? ये दुकान तुमने कहाँ से खरीदी है? महाराज ये दुकान मैंने अपनी मेहनत और अकल से कमाए हुए पैसों से खरीदी है। आनंद, सिर्फ अकल काफी नहीं होती कुछ पाने के लिए। अकल को एक चेक समझो जो कर्म के बैंक में प्रस्तुत किया जाता है। पुण्य के खाते में कुछ बचाना हो तो अकल का चेक फेल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा कहना है ये जो कुछ मुझे मिला है कर्म के बैंक से मिला है, हैं? और तुम उसकी कमीशन वसूल करने आए हो? मैं सब जानता हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे पहले ही बता दिया था। तुम उस वक्त तक लोगों को चैन से बैठने नहीं देते जब तक वो तुम्हारी पाए पाए चुका नहीं देते। 1 करोड़ रुपए की सलाह देता हूँ तुम्हें, सरकार ने लोगों से करोड़ों रुपए लेने इनकम टैक्स के। तुम इनकम टैक्स ऑफिस पहुंच जाओ, उनसे अपनी कमीशन तय कर लो और टैक्स वसूल करा दो। इसमें सरकार को भी फायदा होगा और तुम्हारा भी भला हो जाएगा। क्यों, क्या ख्याल है? मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। नहीं, मेरे पास आने की जरूरत है, है? यही तो तरीका होता है साहूकारों का, वो बार बार जाते ही रहते हैं कर्जदारों के पास उनका हाल पूछने के लिए। जानते हो क्यों? कर्जदार को कुछ हो गया तो उनका मूल और सूद दोनों डूब जाएगा। परंतु मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, मेरे मूल और सूद कहीं भागे नहीं जा रहे। तुम तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो। इसी बात पर मुंह मीठा कर लो, मेरी दुकान में लड्डू ऐसा बनता है मोती चूर का तुमने जिंदगी में नहीं खाया होगा। नहीं नहीं, रहने दो आनंद, तकलीफ ना करो। क्यों, शक्कर की तकलीफ है क्या, डायबिटीज? बीमारी कोई नहीं, परंतु मुझे ये सुदामा के सत्तू बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुदामा के सत्तू हजारों साल से चले ही आ रहे हैं, चले ही आ रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुए। और सब कुछ खत्म हो जाता है आनंद, प्यार कभी खत्म नहीं होता। मेरा होटल के साले दाना करने वाले नौकर ने 10,000 का इनाम मार लिया, मुझे तो लाखों चाहिए, लाखों। लाखों बनाने का टेम लखीराम यही टेम है, ऐसा मौका बरसों में आता है। घोड़े का नाम भी वही, तुम्हारा नाम भी वही, वह मिलियनियर तुम लखीराम। नाम तो नाम, सितारे भी मिलते हैं सितारे। सुनो सेठ, अब के जैकपॉट तुम्हारा हो ही गया, मिलेंगे 25 लाख, लगाने पड़ेंगे सिर्फ 25,000। 25,000? इतना माल मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम्हारा होटल है भाई, तुम उस पे रुपया उठा सकते हो। ये मौका हाथ से गया तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अरे, अरे। हाँ, लक्ष्मी आ रही है। कालीचरण, बड़ी बेशरम हो तुम। पिछले इतवार तुम्हें घर से धक्के मार के काला था, तुम फिर आ गए मेरे डैडी को बहकाने। डैडी, सब कुछ तो जा चुका है, बस एक होटल बाकी रह गया। फिकर मत कर बेटी, फिकर मत कर, हर चीज वापस आ जाएगी, हर चीज वापस आ जाएगी। ये कौन है? सलाम भैया। अरे अरे, घर में आओ। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। बच्ची कैसे हैं? अल्लाह का फजल है, सब अच्छे हैं। आप कैसी भाभी? आओ, मैं खा के आ रही हूँ। आप खीर, ये इसे खाते में एक चाट है। वाह वाह वाह, क्या खीर बनाई है भाभी, वाह भाई। खीर जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं। भैया, लखीराम के बारे में कुछ सुना? क्यों, क्या हो? रेस में सब कुछ है, उसका होटल बिक रहा है। अच्छा नहीं लगता, जहाँ तुमने नौकरी की हो तुम उसी जगह जाके मालिक की कुर्सी पे बैठो। कोई ना कोई तो बैठेगा माँ, होटल हम नहीं लेंगे तो कोई दूसरा लेगा, लेकिन हमें होटल की सब जरूरत। क्या जरूरत है, जितना मिला है वो काफी नहीं है क्या? अभी तक मिला क्या है, मिठाई की दुकान से सिर्फ घर की रोटी चल सकती है। मेरी सारी ख्वाहिशें, तमाम उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती। अभी तो बच्चों को बहुत दूर तक पढ़ाना है, मुझे अपनी बेटी कंदा की शादी करनी है बड़े धूमधाम से। करो भैया, तुम्हारी जाके बात करो, मुझे वो होटल चाहिए ही चाहिए। आवाज़ भीम से उतार। अरे आनंद भैया, तुम
क्यों कोई नया भाजी वाला ढूंढ लिया है क्या? ऐसे ही होता है, हाथ में चार पैसे आ जाए तो नीयत बदल जाती, आंखें बदल जाती। तुम कुछ भी समझो कादरमियां, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम सर पे टोकरा उठा के इस तरह भारी तरकारी लाओ। तो फिर किस तरह लाओ? मोटर कार में लाओ। मोटर कार में नहीं। ये साइकिल वाली गाड़ी मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए खरीदी है। हर भैया, हर भैया। आप जिस होटल के मालिक थे उसी होटल में नौकरी करेंगे? क्यों नहीं, आनंद कल होटल में नौकर था, आज मालिक हो गया। मैं कल मालिक था, आज नौकरी करने पे मजबूर। बड़ा फर्क है दोनों चीजों में। सीढ़ी पे नीचे से ऊपर जाना आसान होता है, मगर ऊपर से नीचे गिरते हुए आदमी की जान निकल जाती है। बहन, राधा की पढ़ाई छूट गई है, मैं उसकी फीस नहीं दे सका। इस वक्त आनंद जरा हाथ थाम ले तो बड़ा काम करेगा। पैसा घर आता है तो चोरी का डर भी साथ आता है। तुम्हें चोरी का डर नहीं है मिस्टर किशन? तुमने भी तो लक्ष्मी को ताला चाबी लगा के अपने दिल की तिजोरी में बंद कर रखा है। आओ बैठो। कहो आज कैसे बना रहे? अपनी कमीशन ले रहे? नहीं, तुम्हारा नया होटल देखने। ये होटल तुम्हारे लिए नया होगा किशन महाराज, मेरे लिए बहुत पुराना है। आनंद, तुम अपनी पिछली जिंदगी नहीं भूले? मैं पिछली कोई बात नहीं भूला। मुझे तो ये भी याद है पहली बार मैंने तुमसे क्या कहा था, एक बार रुपया आ जाए मेरे पास फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा रुपया क्या होता है, रुपया की ताकत क्या होती है। ताकत का फैसला तो आनंद उस समय होगा जब खेल का नतीजा निकलेगा, अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। तो तुम्हें अब भी शक है मैं जो पाना चाहता हूँ वो पा सकूंगा या नहीं? किशन महाराज जी, अभी तो मैंने कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किया है। जिसकी टांगों में जोर होता है ना, वो सीढ़ी के आखिरी चरण पर भी पहुंच जाता है, और मैं एक दिन पहुंच कर दिखाऊंगा। अच्छा? हाँ, इसी बात पे कॉफी हो जाए। क्यों, तुम कॉफी नहीं पीते? वो ब्लड प्रेशर है क्या? नहीं। हाँ, मैं समझ गया। किशन महाराज चाय पीते हैं, राइट? हाँ। और हमारे होटल की चाय सारे शहर में मशहूर है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय का ऑर्डर करके आता हूँ, और साथ एक फोटोग्राफ लाता हूँ। फोटोग्राफर? क्या है कृष्ण भगवान जी, आजकल हर चीज इश्तेहारबाजी से बिकती है, पब्लिसिटी। धर्मेंद्र के फोटो के नीचे लिखा होता है मैं बर्कली सिगरेट पीता हूँ। देश का ऐसा कोई भी अखबार नहीं है जिसमें शर्मिला टैगोर चीख चीख ये ना कहती हो मेरी सुंदरता का राज लक्स टॉयलेट साबुन है। मैं तुम्हारी एक फोटो लेना चाहता हूँ, यू कप और सॉसर के साथ, यू। उसका मैं एक पोस्टर बनवाऊंगा और नीचे छपा दूंगा मैं किशन भगवान आनंद होटल की चाय पीता हूँ। बस फिर क्या कहना, इधर पोस्टर छपे नहीं और लोग टूट पड़ेंगे इस होटल पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धंधा तो चल ही निकला है तुम्हारा, अब धंधे की चाय भी सीख क्या? वैसे बाकी हाल चाल क्या है? बहुत अच्छा है, जिंदगी की गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है। माफ करना, मेरा फोन आया है। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे हाँ, देखो भाई, मुझे तुम्हारा वो पुराना मकान खरीदना है। हाँ, रुपयों की फिक्र मत करो, जब कहो मिल जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्री फौरन हो जानी चाहिए। हाँ अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक खुशखबरी, ये किशन भगवान के इधर कुछ गड़बड़ लगती है मुझे। क्यों आता है, क्यों जाता है? वाह जाओ, नए मटर पनीर का। वाह,
मैंने कहा जी आज शायद लकीराम आया था। आया होगा रुपए मांगने। नहीं लेकिन हालत कुछ खराब लगती थी। तो क्या करूं, होटल एक दूर जो है ना। मैं ये नहीं कह रही लेकिन तुम उसे कोई नौकरी तो दे सकते हो। मुझे तो उससे भी ज्यादा उसकी बेटी राधा का ख्याल रखता है। उस बेचारे की पढ़ाई छूट गई है। इसमें भी मेरा कसूर है। उसके बाप करें जो चलता था तो ऊपर आसमान पे थूकता और नीचे जमीन को टोकना मारता। कॉलेज मेरे बेटे का भी छूट रहा था। मैंने उसके सामने भिखारी की तरह हाथ फेरा है लेकिन उसने मुझे 25 रुपए देने से इनकार किया। कहते हैं आदमी बड़ा वही है जो पिछले बदले चुकाने के लिए गिरते हुए को धक्का नहीं देता, उसे संभाल लेता है। देखो गायत्री, तुम ये लकीराम के बारे में और कुछ कहोगे ना तो मैं खाना छोड़ूंगा। नहीं, तुम खाना खा लो, मैं कुछ नहीं कहती लकीराम के बारे में। लेकिन राधा के बारे में तुम्हें, हाँ ना, नौकरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई जगह खाली नहीं है सिवाय एक के। ये कुर्सी कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है। तुमने कॉलेज छोड़ना पड़ गया मुझे। नहीं राधा, तुम्हें पढ़ना चाहिए। एक किस्मत मैं दे दिया हूँ। नहीं, मैं अपनी शिक्षा के लिए किसी से दान नहीं लूंगी। मैं कौन सा दान दे रहा हूँ, सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। जो आदमी दुखी होता है ना मधु, कई बार जुल्म से उसे कम दर्द होता है, दर्द से ज्यादा। और कई बार ऐसा भी होता है, कोई किसी से प्यार करता है और उस प्यार को तरस करके छिड़क दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है। मधु, हाँ राधा, मैंने कई बार तुमसे कहना चाहा लेकिन कभी तो होंठ ही नहीं खुले और कभी शब्द गूंगे हो गए। आज मैं जाने की बड़ी बात तुमसे कैसे कह गया। अंधेरे में क्या कर रहे हो? रोशनी का इंतजार।
तुम्हारी राधे राधा। ये क्या कर रहे हो? वही जो दूल्हा दुल्हन के साथ सुहागरात में करता है। ये सुहागरात है तुम्हारे बेटे की, तुम्हारी बहू की, हम बुढ़ों की नहीं। ए, बोले आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। तुम्हें पाने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे, रुकावटों के कितने पहाड़ थे हमारे रास्ते में, याद है? अपनी सुहागरात याद है? उस वक्त तो हमारे पास अपना कमरा भी नहीं था। एक तरफ तुम्हारी चार बहनें और दूसरी तरफ मेरे चार रिश्तेदार सो रहे थे और हम दोनों कबूतर बीच में पड़े। मेरे जूते कहाँ गए? ऊपर रखे थे मैंने। ले लीजिए पिताजी, मैं जरा साफ करने ले गई थी। बहू, देखो तुम इस घर की बहू हो, इस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें जूते साफ नहीं करने चाहिए। मैं आपकी बहू नहीं पिताजी, बेटी हूँ और बड़ों की सेवा करना मेरा अधिकार है। लीजिए पहनिए। ठीक है, मैं पहनूंगा। जीती रहो। ठीक कहते थे, दरवाजे पे बैठा हुआ कुत्ता अच्छा, और दामाद के घर बैठा हुआ ससुर बुरा। आनंद मुझे जबरदस्ती यहाँ लाभ रहने के लिए, इसीलिए मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। क्या देखना पड़ रहा है पिताजी? मैंने तुम्हें इतने लाज से, इतने नाज से, इतने प्यार से इसीलिए पाला कि तुम इस घर में नौकरानी बन जाओ। अभी अपने पति के लिए सारे खानदान की तो से मेहंदी नहीं निकली अभी, और बर्तन मांज रही हो, जूते साफ कर रही हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ बहू बना कर भेजा था, पाँव की जूती नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात कहूँ पिताजी, मुझे मेरा धर्म समझाने, अधिकार बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ मुझे अपने घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब से सेठ लखीराम यहाँ आए हैं, तब और तुम दोनों बेकार हो गए। तुम चाहो तो मैं कुर्सी छोड़ सकता हूँ इसी वक्त। अरे मैं कुर्सी छोड़ने की नहीं, और खुशियां बनाने की सोच रहा हूँ। तुम्हारे नौजवान और मधु, तुम्हारी टांगों में जोर है, कुछ चला फिरा करो यार। देखो शहर में बीसियों बाजार हैं, सैकड़ों मोहल्ले, ऐसे कई कोने मिलेंगे जहाँ इस तरह का होना खूब से सकता है। सेक्रेटरी? यस सर। वो जो फाइल मैंने कही थी ना, वो थोड़ी देर बाद मेरे रूम में आया।
आइए जी। कमला बेटी आजा आजा। अरे 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 क्या हुआ, आज हमारी बेटी के चेहरे पे हंसी नहीं है? माँ मुझको बिगड़ रही है। क्यों? मैंने कॉलेज में चंदा देने का वादा किया है, नहीं दूंगी तो सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। क्यों जी? जानते हो तुम्हारी लाडली बेटी ने कितने रुपए मांगे हैं? कितने? 100 रुपए। इतने? क्या आप समझते हैं ये ज्यादा है डैडी? नहीं, मैं समझता हूँ कम है। तुम्हें कम से कम 1000 रुपया देना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपनी नाक का ख्याल है, अपने डैडी के नाक का ख्याल नहीं है? लगान जी, अब काम कीजिए, कल सुबह बैंक चले जाइए और कमला और ये आह आ गया गोविंद, इन दोनों के नाम बैंक अकाउंट खुलवाइएगा, ताकि इन्हें छोटी मोटी रकमों के लिए अपनी माँ के साथ झगड़ा नहीं करना पड़े। इतने रकम से अकाउंट खोलना होगा? 50-50। ये अभी छोटे बच्चे हैं, इनके हाथ में इतने पैसे दे दोगे तो ये बिगड़ नहीं जाएंगे? मैं इन्हें बिगाड़ नहीं रहा गायत्री, इन्हें संवार रहा हूँ। इनका बाप कोई मामूली आदमी नहीं, 5-स्टार होटल का मालिक है। इन्हें मालूम होना चाहिए अमीरों के बच्चे किस तरह रहते हैं, किस तरह पैसा खर्च करते हैं। और सुनो बच्चों, तुम्हारे लिए सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई काफी नहीं है, इसके अलावा तुम्हें ड्राइविंग, स्विमिंग, बोटिंग सब सीख लेना चाहिए। आओ बैठो गोविंद। नहीं यार, ये सब मुझे पसंद नहीं। तुम्हारी मर्जी, तुम रईस बाप के बेटे हो तो आओ बैठो हम रईसों के बेटों के साथ, नहीं तो जाओ जहां मामूली लोगों के बच्चे धक्के खाते हैं। एक बात बताए, ये हुई ना बात? सिगरेट? थैंक यू। शाबाश जम्बू। ससुर जी, आप चेकों पर तो मुझसे रोज दस्तखत करवा लेते हैं, मगर इनके साथ मुझे लोगों के बिल भी चेक करने चाहिए। जिसके एक एक दस्तखत की कीमत 10,000-20,000 रुपया हो, उसी से मामूली काम करने की क्या जरूरत है? उसके लिए मैं ये पड़ा हूँ यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे हर दस्तखत के साथ 10-20,000 रुपये जमा होते हैं तुम्हारे अकाउंट में। 10-20,000? यकीन नहीं है, यकीन नहीं है। ये देखो, ये सब रुपया तुम्हारा है, सब तुम्हारा है बच्चे। ये काम तो इस सफाई से हुआ है कि नुकसान किसी का नहीं हुआ, मगर तुम्हारा फायदा हो गया। होटल में जो खाना खाते हैं उन्हें क्या मालूम खाना असली घी से बना है या नकली वनस्पति से। कीमत में फर्क पड़ जाता है 20 रुपए पर किलो। महीने में घी के 100 टीन लगते हो तो 30 लाख का मुनाफा तुम्हें हो गया सब घी में। और ये हजारों चीजें आती है सप्लाई में। नहीं नहीं, ये चोरी है, बेईमानी है, बेइंसाफी है मेरे पिताजी के साथ, जिन्होंने इतनी मेहनत से होटल खड़ा किया है। बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे पिता के उस बेइंसाफी का कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने खोलूं जो उन्होंने तुम्हारे साथ की है। ये रहो बेटा, बैंक में ये अकाउंट खोले गए हैं कमला और गोविंद के नाम। ₹50,000? हाँ, तुझे पूछा भी नहीं गया, तुम्हें बताया भी नहीं गया। उन्होंने वो काम जिस तरह छुप के किया है, मैंने भी ये काम छुप के किया है तुम्हारे लिए। अभी तुम्हें इनकार हो तो मैं अभी जाता हूँ रुपए लेके तुम्हारे बाप के सामने सारी बात बता देता हूँ। मेरे साथ जो होगा मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, इस
साहब, चेक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, चेकों पर तुम्हारे दस्तखत हैं। बोलो क्या हूं? बच्चे, तुम्हारे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। गायत्री, ओ मधु, समझा? क्या है? हाँ, ये लो, अरे हाँ, ये क्या? इतने सारे हार किसने पहनाए? ये हार नहीं गायत्री, सलाम है, जो दुनिया चढ़ते हुए सूरज को करती है। कल तक मैं किसी काबिल नहीं था इस शहर, और आज इस काबिल हो गया हूँ कि एक साथ इस शहर के शरीफ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी और ऑल इंडिया होटेलियर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया। सेक्रेटरी, सबको दो दो मिनट का बोनस। ओके सर। महाराज जी। हाँ आनंद नारायण साहब। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए भी आनंद से आनंद नारायण साहब हो गया हूँ। क्यों नहीं, आदमी जब दौलत से बड़ा होता है उसका नाम भी बड़ा हो जाता है। मेरा नाम बड़ा हो गया है तो तुम्हारी मूर्ति भी तो बड़ी हो गई है। देखा नहीं तुमने पूजा के कमरे में? तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद तुम कहते हो? हाँ, तुमने अपनी शान के साथ मेरा कद भी बढ़ा दिया है, मैं तुम्हारा आभारी। तुम तो हाथ भी जोड़ रहे हो। जोड़ने ही पड़ते हैं धन के सामने, ये संसार का नियम है। तुम भी संसार के नियम सीख गए? सीखने पड़ गए, तुम जैसे ऊंचे लोगों से मेल मिलाप क्यों होने लगा? अब तो मान गए ना कि दौलतमंद आदमी ही बड़ा आदमी होता है। मैं माना नहीं हूँ, परंतु तुम मनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। सच्चाई मनवाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती कृष्ण महाराज, उसके सामने सारे इनकार खामोश हो जाते हैं। एक बार फिर से सुन लो, दौलत इस दुनिया की सबसे बड़ी और अटल सच्चाई होगी। परंतु ये तो बताओ, घर परिवार कैसा चल रहा है? तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? मधु की शिक्षा पूरी हो गई? नहीं, मैंने उसे नहीं लेकिन मैंने उसे बिना शिक्षा के ही इतने बड़े होटल का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया मैंने। और गोविंद? गोविंद को मैं शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। डिग्री लेने के बाद मैं उसे सीधा अमेरिका भेजूंगा। कमला का कुछ नहीं बताओगे? हाँ, क्यों नहीं बताऊंगा। कमला तो मेरी आंख की पुतली है, मेरे जिगर की ठंडक है। मैं उसका रिश्ता एक बहुत बड़े खानदान में कर रहा हूँ। वो लोग इतने अमीर हैं कि कमला के बेटे और उसके बाद उसके बेटों के बेटे भी जिंदगी भर अगर दौलत लुटाते रहे फिर भी खत्म नहीं होती। ये रिश्ता मैं तय कर रहा हूँ कृष्ण महाराज, मैं। अब मेरी सुनो, मैं मिट्टी को हाथ लगाता हूँ सोना हो जाती है, जिस जगह पांव रखता हूँ चांदी की खाने अपना मुंह खोल देती है। बस यही मेरी जीत है, और मैंने अपनी जीत के झंडे तुम्हारी दया से नहीं अपनी मेहनत से गाड़े हैं। आनंद, जो बुद्धिमान लोग हैं जगत में वो अपनी जीत के झंडे भी फहराते हैं, तो उनपे भगवान का नाम लिख देते हैं। बुद्ध जानते हैं मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल पे उसका अधिकार नहीं होता। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मेहनत मैं करूं और मेहनत का फल तुम्हारा नाम लिख दूं, तुम्हारा हक बनता है तो सिर्फ अपनी कमीशन का, जिससे मैं अभी इनकार नहीं कर रहा हूँ। लो, मैं भी चेक लिख देता हूँ। बैठो। मेरी कमीशन की फिक्र न करो, वो मैं ले लूंगा, जब भी होगा जैसे भी होगा। अच्छा ठीक है। अरे एक बात माननी पड़ेगी कृष्ण महाराज, तुम जब भी आते हो वक्त को पर लगे रहते हैं, लेकिन आज मुझे जरा माफ करना, मुझे खाना खा के होटल पहुंचना है। एक काम क्यों नहीं करते, तुम भी चलो मेरे साथ। आगे देखो, मैंने होटल नहीं, फिर कभी चलेंगे। तुम्हारा होटल खुला होगा तो देख ही लेंगे। खुला होगा क्या मतलब? महाराज मेरा 5-स्टार होटल है, और 5-स्टार होटल 24 घंटे खुला रहता है, उसके दरवाजे 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होते। ओ खाना तैयार है ना? हाँ, टेबल पे लगा दिया। अच्छा, कानूरिया आला वर्ष। आनंद भैया, आला वर्ष। नमस्ते। बड़े वक्त है। खाना।
सारी चीजें बनी हुई हैं। बनानी पड़ती है भैया, किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ। मैं हमें तो खीर पसंद, वो भी बनाई है। अरे सूप क्यों ले आए हो? वही ले आओ ना खीर। जी शोर मानी चलेगा भाई, बूटी खिलाओ हम। कादर मियां, यही तो कमाल है पैसों का, मुट्ठी गर्म हो तो खानदान का हर आदमी हर रोज वो चीज खा सकता है जो उसे पसंद है। हाँ भाई लो लो, यही रख दो, तुम रख दो। बॉम्बे से लाइट नहीं करो। हेलो डेड आनंद नारायण स्पीकिंग। हाँ अच्छा, मतलब मुझे इसी वक्त एयरपोर्ट पहुंचना होगा। अच्छा ठीक है, अभी जाता। अच्छा माफ करना कादर मियां, एक जरूरी काम आ पड़ा है, तुम आराम से खाना खाओ। सुनो तो गायत्री, बंबई में होटल बनाने के लिए जो जमीन मैं खरीदना चाहता हूँ उसका मालिक हवाई जहाज से कश्मीर जा रहा है और उसका प्लेन से 45 मिनट यहाँ रुकेगा। मैं अगर उससे मिल नहीं सका तो जमीन हाथ से निकल जाएगी। थोड़ी देर बाद नहीं जा सकते? देखो इस तरह खाना छोड़ देने से अन्न का अनादर होता है। भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मजबूर हूँ। खीर खाने के लिए कितना वक्त चाहिए? एक मिनट। मेरा एक मिनट एक लाख का है, एक लाख का। मम्मी राधा और मैं एक बिजनेस लंच पे जा रहे हैं, हम लोग शाम को जल्दी लौटेंगे। लेकिन कादर भी आकर कमला कहाँ हो तुम? तुम भी नहीं आ रही खाने के लिए? मॉम मैं प्रोफेसर से मिलने जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। मगर खाना? अरे खाना वही खा लूंगा। अच्छा भाभी अब मुझे भी इजाजत दो, किस्मत की बात है, आदमी के पास जब रुपया नहीं होता तो वो रोटी के एक एक टुकड़े के लिए ठोकरे खाता है और जब रुपया आ जाता तो उसी रोटी को ठोकरे मारता है। भाभी इसे खुदा की कुदरत नहीं तो क्या कहूं, जब भाई के पास कुछ नहीं था तो तुम्हारे होठों से हमेशा हंसी के फूल झड़ते थे और आज सब कुछ है तो तुम्हारी आंखों में आंसू तैर रहे। पारे ऊपर वाले वाह। अच्छा भाभी खुदा हाफिज। Thank you.
खूबसूरत है, अमीर है। अच्छा? और करता क्या है? अरे दो महीने के अंदर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर हिंदुस्तान पहुंचेगा, अपना खुद का नर्सिंग होम खोलने वाला है। कहती है मैं सोचता हूँ उसके आने के बाद फौरन कमला की शादी हो जानी चाहिए। कहाँ सो गया था? भगवान, तुमने मुझे पुकारा? पुकारा तो नहीं, लेकिन तुम पहुंच गए बिना टिकट के लिफाफे की तरह। है? बैठो। ये क्या मजाक है? तुम हमेशा उनके पास पहुंच जाते हो जिन्हें कोई श्रद्धा नहीं तुम्हें, और जिन्हें श्रद्धा है उनका ये हाल होता है। ये खबर पढ़ी है तुमने? यात्रियों की बस जो तुम्हारे मंदिर की तरफ जा रही थी पहाड़ से नीचे गिर गई। 22 यात्री मारे गए और 20 घायल हुए। इन बेचारों का यही दोष था ना, वो तुम्हारे दर्शन करने जा रहे थे। तुमने खबर अब पढ़ी है आनंद, 24 घंटे के बाद। मैं तो बहुत पहले जानता था ये दुर्घटना होने वाली है, फिर भी तुमने रोका नहीं उसे। ऊपर बैठे तमाशा देखते रहे अपने भक्तों की मौत। परंतु सबके सब तो नहीं मरे। सबके सब मर जाते कृष्ण महाराज तो तुम्हारे मंदिर कब के ढेर हो गए होते। आगे भी पढ़ो क्या लिखा है। आगे लिखा है, बस का ड्राइवर नशे में धुत था, उसने बहुत पी रखी थी। और अब भी तुम सारा दोष मुझे ही देते हो। और किसे दूं? मेरे नजदीक तो उस शराबी को चक्के के पीछे बिठाने वाले तुम हो, और उस बस को पहाड़ से नीचे गिराने वाले भी तुम ही हो। और जो बच गए हैं उन्हें बचाने वाला कौन है? वो मैं नहीं जानता। तुम जोश में मत आओ आनंद, ऐसी दशा में बुद्धि टूटे हुए शीशे की तरह हो जाती है जिसमें हर चीज टूटी फूटी दिखाई देती है। जानते हो वो ड्राइवर कौन था? मैं क्या जानू, तुम ही बताओ। उन्होंने जो पाप किए थे वो शराबी ड्राइवर के रूप में उनके सामने आ गए। दलीलें तुम्हारे मुंह से ऐसे निकलती है जैसे मदारी अपनी खाली टोकरी में से कबूतर निकालता। मुझे तुम्हारी बात पसंद आई, परंतु जो ज्ञानी होता है वो शरीर को पिंजरा मानता है और प्राण को पंछी। वो पंछी की आजादी पे आंसू नहीं बहाता जिसे मूर्ख मौत जैसा बड़ा नाम देते हैं। अशोच्यानन वशोचत्वम प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम फिर संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगे, वो बात क्यों नहीं करते जो मेरे पल्ले पड़ सके? अच्छा वही बात करते हैं। तुम्हारे कारोबार का क्या हाल है? कारोबार का क्या पूछते हो। जोरों से चल रहा है। मैं दुनिया के हर मुल्क में बड़े बड़े आलीशान होटल्स बनाऊंगा। मेरा सबसे पहला होटल इस वक्त बॉम्बे में बन रहा है। ऐसा शानदार होटल सारे हिंदुस्तान में नहीं होगा? होगा, अगर होगा तो। होगा, जरूर होगा, तुम भी उसे रोक नहीं सकते। मैं कामयाबी के घोड़े पे सवार हूं, और ये दुनिया समझ लो एक सड़क है जो घोड़े के पांव के नीचे पिछी हुई है। जो अच्छे सवार होते हैं आनंद, वो अपने लोभ के घोड़े इतने तेज नहीं दौड़ाते, वो चाबुक से ज्यादा लगाम से काम लेते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ये जरा फोन सुन लूं। हाँ हाँ जरूर, वो शायद गीता उपदेश से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। सुनो। शुक्रिया। सेठ आनंद नारायण स्पीकिंग। क्या कहा?
होटल का काम रुक गया है। किसके हुक्म से? कोर्ट के हुक्म से। ठीक है, मैं आज आपकी फ्लाइट से बंबई आता हूं। किस चीज के अंदर में पका है? वनस्पति में, तेल में कि घास में? सर, इस होटल में हर चीज खाली देसी घी में बनती है। घी में बनती है? खा के देखो और बोलो खालिश की है कि मालिक का टेल है? और ये क्या, ये क्या है? चिकन है, कौवा है कि उल्लू है? I'm extremely sorry सर। फाइव स्टार होटल में तो थर्ड क्लास का बेईमानी करता है। ऊपर से बोलता है I'm sorry सर। कौन बेईमानी होटल का मालिक? बुरा उसको। सर, इस होटल का मालिक बुरा नहीं है, नहीं होटल बुरा है। मैं अभी जाके इंक्वायरी करता हूँ कि ये गलती हुई कैसे। हम इधर ठहरे का गलती नहीं करेगा। कमान फ्रेंड, लेट्स गो टू सम अदर होटल। जेंटलमैन, जेंटलमैन प्लीज, दो मिनट में खाना बदलने का इंतजाम करता हूँ मैं। दो मिनट में ठहरे का देख वो अगर आई एम एक्साइटेड सर। जेंटलमैन आई से प्लीज। का पैसा बाद में मिलेगा लाला, पहले मेरी कमीशन लाओ, वरना हम दूसरी दुकान ढूंढ लेंगे। मिलावट का धंधा करने वाले बहुत हैं इस शहर में, समझे? हाँ, कल सवेरे तक 10,000 रुपए पहुंच जाना चाहिए मेरे पास। हाँ, मुझे मालूम नहीं था कि चोर घर के अंदर मौजूद है। जानते हो, जानते हो तुम्हारी बेईमानी की वजह से अभी अभी होटल में क्या हुआ? तो मुझे चोर कह रहे हो? आज नौकर की ये मजाल हो गई। मैं नौकर जरूर हूँ लखीराम, लेकिन तुम्हारा नहीं। कल से मैं होटल के लिए सामान खरीदने का काम किसी ऐसे आदमी को दूंगा जिसे अपनी कमीशन से ज्यादा होटल के नाम का ख्याल हो। मुझे शुरू से मालूम था माइकल का ये एक दिन होकर रहेगा। तुम मेरी जगह कोई अपना आदमी लाओगे जिसे तुम कमीशन खा सको। तुम, हाँ तुम पहले दिन से बहाने ढूंढ रहे थे मुझे धक्का मारने के लिए। बहाने? कौन से बहाने? ये नहीं बताने की जरूरत है, ये कल की बात है। तुमने मुझे होटल के स्विमिंग पूल में नहाने नहीं दिया। हाँ। कैसे नहाने देता? तुम सर से पांव तक सरसों के तेल में तर थे। सरसों का तेल? मैं मिट्टी का तेल मल कर नहाऊंगा? तुम कौन होते हो इतराज करने वाले? क्या 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 समझ रखे हो अपने आप को? उस दिन मैं सोफे पर बैठा हुआ शेव बनवा रहा था, तुमने नाई के सामने मेरी हजामत कर दी। सोफे तुम्हारी शेव के लिए नहीं, मेहमानों के बैठने के लिए है। सेव तो शेव, मैं सोफे पर बैठ कर बाल कटवा कर दिखाऊंगा। ये मेरे दामाद का होटल है, मेरे समधी का होटल है। वो तुम्हारे दामाद और समधी घर में है, जहाँ नहीं, जहाँ तुम भाड़े का टट्टू हो वो है मालिक। और मैं तुम्हें मालिकों को बदनाम नहीं करने दूंगा, इस होटल को बदनाम नहीं करने दूंगा, समझे? लखीराम, अगर मैंने तुम्हें आइंदा कोई भी बेहुदगी करते हुए देखा तो यहाँ से धक्के मार मार कर निकाल दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मेरे ससुर से इस तरह से बात करो? गेट आउट। मधु साहब, मैं तो आपने जनरल मैनेजर साहब को थप्पड़ मार दिया। किशन चंद, तुम चुप रहो। नहीं सर, मैं ये बेइंसाफी, ये जुर्म नहीं देख सकता। ये अगर मालदार है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक ईमानदार वर्कर पर हाथ उठा सकते। देख लेता हूँ तुम भी क्या करते हो। मैं इसका जवाब तुम्हें अभी दे सकता हूँ। नहीं किशन, नहीं किशन, नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, वर्कर अपने मेहनत, अपना खून पसीना बेचता है, अपनी इज्जत नहीं बेचता। आज तुमने जो हाथ उठाया है, कल उसके लिए तुम्हें अपना सिर झुकाना पड़ेगा। किशन, मेरी बात सुनो। Manager Madhu! Manager Madhu! Lucky Ram! Lucky Ram! Lucky Ram! Manager Madhu!
शतरंज खेलते हो मगर खेल की बारीकी नहीं समझते हो। प्यादे मरते हैं तो मरने दो मगर अपने वजीर को बचाओ। जिस वक्त वजीर खत्म हो गया खेल भी खत्म हो गया। खेलिए, तुम यहाँ शतरंज खेल रहे हो, बाहर लोग तुम्हें मुर्दाबाद मुर्दाबाद कह रहे हैं। अब जाएंगे तो चुप हो जाएंगे। बजाओ। मैंने तुम्हें होटल का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया होटल चलाने के लिए या बंद करवाने के लिए? होटल मैंने नहीं बंद करवाया पिताजी, इसने बंद करवाया जो आपके पीछे खड़ा है। बाहर नारे भी इसी के पीछे लगा रहे हैं। मधु जी, मैं नारों की बात नहीं कर रहा हूँ, उस बेइंसाफी की बात कर रहा हूँ जो तुमने की है। एक चोर की चोरी छुपाने के लिए तुमने एक ईमानदार आदमी पे हाथ उठाया, तुम्हें मैं कल से माफी मांगूंगा। बेइंसाफी वो नहीं थी, ये हो रही है समझी जी। मालिक से कहा जा रहा है नौकर से माफी मांगे। डैडी, तुम भी इसमें मत पड़ो राजा, मैं हरगिज़ हरगिज़ माफी नहीं मांगूंगा। भूल की हो तो भी नहीं। मधु की रगों में मेरे जैसे इज्जतदार आदमी का खून होता तो इस कसाई खाना में एक मिनट भी न रहता। लकीराम, आज तक मैंने अपनी जबान पे ताले लगा रखे थे। मैं नहीं चाहता था तुम्हारी बेटी के सामने तुम्हारे पोल खोल, लेकिन आज अच्छा हुआ तुमने खुद ही ताले खोल दिए। ये सारा फसाद तुमने शुरू किया है। तुम तो चोर थे ही पहले से, अपने होटल में भी चोरी करते थे, इस घर में आकर तुमने मेरे बेटे को भी चोर बना दिया। यहाँ और एक मिनट भी नहीं रह सकता, एक शब्द भी नहीं सुन सकता। मैं चाहता हूँ दामाद जी, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। क्या कह रहे हैं समझे? क्या कहूँ, कल तक ये आदमी मेरा नौकर था, नौकर। और आज ही अपने आप को सिर्फ होटल का नहीं, इस घर का नहीं, बल्कि सारी दुनिया का मालिक समझ बैठा है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मैं जाऊँगा। लेकिन दोनों के जाने में बहुत फर्क है। आप अपने घर जा रहे हैं, ये अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है तुम पे। तुम्हारा पति बनवास जा रहा है और तुम उसके साथ जाने की बजाय उल्टा उल्टा भाषण दे रही हो। मैंने सोचा था कभी समय आएगा तो मेरी बेटी सीता सावित्री बनकर दिखा देगी। भाई साहब, सीता बनने का क्या सवाल है? आपके घर में तो सचमुच सीता ने ही जन्म लिया है। मेरा ही बेटा राम नहीं निकला। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें जन्म दिया था मधु? एक दिन तुम मेरे कोख पे लात मार के चले जाओ। जिस घर में पैसे भर की इज्जत ना हो इंसान की, वहां रहने से तो गलियों की खाक छानना बेहतर है। खाक छानोगे तो जानोगे बेटे, अभी तक तो बाप की ही कमाई खा रहे थे। उनका जरा सा हाथ उठ गया, तुमने इतना शोर मचा दिया। तुमने वो छाने नहीं देखे बेटे जो बरसों उन हाथों पे पड़ते रहे। तुम्हारी खातिर, हाँ हाँ तुम्हारी खातिर, अनाज कूटते हुए, दालें रगड़ते हुए। छोड़ दो ना उसे जाने। मधु, मधु, जाने दो गायत्री, जाने दो इसे। पखेर पाँच पल लग गए। इसे पखेरों मत करो, ये बिच्छू है, बिच्छू। और बिच्छू की खासियत होती है वो पैदा होते ही उसी को डंक मारता है। इसने उसे जन्म दिया, शुक्र करो इतने वर्षों के बाद डंक मारा है गायत्री। जिसने कसूर किया है वो तुझे लगा है, लेकिन कसूरवार का बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं अपना सर झुकाकर अपने बेटे की भूल की माफी मांगता हूँ। सर, सर, माफ कर। जब मैंने वो टीएसए खरीदी थी उस वक्त सबके सब मर गए थे क्या?
अब ये हमारे स्थान से पैदा हो गया। तुम फिक्र नहीं करो शंभुनाथ, मेरी एस्टेट की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। मैं आगे क्यों मार रहा हूं? ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। आप कहीं नहीं जाएंगे पिताजी, डॉक्टर ने कहा है आपको आराम की बहुत जरूरत है। बेटी मेरे एस्टेट का सवाल है। एस्टेट आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं, मुकदमा वकील लड़ लेंगे, आप आराम से लेते रहिए। क्या कर रहे हैं? जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है आपको आराम की जरूरत है और ये चीज आराम की दुश्मन है। अरे लेकिन बेटी मैं तुम्हें नींद आए शायद ना आए, और तुमने कहा था नींद ना आने की बीमारी मुझे नहीं है। हाँ हाँ कहा था,
लेकिन तुमने नई छेड़ क्या शुरू कर दी? मेरी बीवी की आवाज को अपनी आवाज बना लिया? दुनिया की हर आवाज मेरी आवाज है आनंद। अभी अभी तुमने कहा तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी तकलीफ है। ये तकलीफ भी पैसे की लाई हुई है ना? बिल्कुल नहीं, पैसा तो आराम देने की चीज है। ये बीमारी मुझे अपने बेटे ने दी है। क्या किया उसने? वही जो उसे नहीं करना चाहिए, अहंकार। उसके अहंकार का कारण? वो समझता है वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसे भी बड़ा आदमी किसने बनाया? पैसे ने ना? बस बस, तुम्हें बड़ा मजा आता है सीधी साधी चीज को टेढ़ा मेढ़ा कर देने में। तुम किसी भी तरह मुझसे ये मनवा लेना चाहते हो कि मेरी हर तकलीफ पैसे से शुरू होती है और पैसे पे खत्म होती है, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है कृष्ण महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा तो जाने दो। हाँ, उस दिन तुमने कहा था मैंने होटल नहीं देखा तुम्हारा, आज चल के देख सकते हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा होटल बंद है, तुम्हें सुइयां चुभाने का बड़ा शौक है। अच्छा तो हम चलते हैं, तुम आराम करो। अभी अभी कहकर गए थे आराम करो, अब फिर आगे परेशान करना। कौन गया था? कौन आया? तुम? हा? अच्छा, पहले तो सिर्फ आवाज बदली थी, अब रूप भी बदल लिया। रूप बदल लिया? मुझ पे दया करो और पीछे छोड़ो मेरा। कैसी बातें कर रहे हो जी, आज तुम मुझे भी नहीं पहचान रहे? पहचान रहा हूँ, अच्छी तरह पहचान रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरी जान पे रहम खाओ और जाओ, मेहरबानी करो मुझ पे, गायब हो जाओ। गायब? मधु, मधु बेटा। माँ। बेटे, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। वो कहते तो नहीं, लेकिन एक बार तुम्हें देख लेंगे तो तबीयत संभल जाएगी। बेटा दोगला खेल हो रहा है, बाप तो धक्के मार के घर से निकाल देता है और माँ बुलाने के लिए आ जाती है। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तुम्हें पहले इनके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उस सवाल का एक ही जवाब है मेरे पास। उन्होंने गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया, तुम मुझे माफ कर। ये ना करो माँ, ये ना करो, ये पाप मुझ पे मत चढ़ाओ। तुम कैसी माँ हो जी, तुम जानती हो तुम्हारे पति को कौन सी बीमारी लगी हुई है, फिर भी तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा बाप को देखने जाए। कौन सी बीमारी? तपेदिक, तपेदिक। है वो तो बुढ़ा है, अपनी उम्र खा चुका है, पर मधु तो जवान है। वो छूत छाप की बीमारी इसे चिमट गई तो क्या होगा? लखीराम, कुछ डरो ऊपर वाले से, क्यों ऐसी बीमारियां दे रहे मेरे पति को जो भगवान ने नहीं दी? इससे भी बड़ी बीमारी मधु को हुई थी बचपन में, उस वक्त उन्होंने तो छुटछाट का कुछ नहीं सोचा, सारे डॉक्टर मना कर रहे थे, लेकिन वो तुम्हें दिन रात छाती से लगाए बैठे रहे। बेटा, बाप तुम्हारे लिए मरने को तैयार था और तुम उसे देखने को भी तैयार नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो बच्चे? आओ पैदल मियाँ। आधा पैसे जा। मुझे आज ही मालूम हुआ आनंद भैया, कहो क्या हाल है? वही जो तुम देख रहे हो, बस। तुमने हमेशा हमें पांव पे खड़े हुए देखा है कादर मियाँ, आज बिस्तर पर पड़े हुए देख। बीमारी किसके घर नहीं आती भैया, अगर तुम बाहर बोर्ड भी लगा दो कि अंदर आना मना है, बीमारी बाहर रुकने वाली नहीं। उसने झूठ नहीं कहा मियाँ, जिसने भी कहा, ये तो तुम पर है, हंस कर गुजार, कैसे रो कर गुजार दे। हम भी हंसा करते थे कादर मियाँ, पर अब बहुत कुछ और ही हो गई है। दूसरी बात कर,
तुम्हारी बीमारी कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता आनंद भैया, लेकिन मैं जानता हूँ। जानते हो तो बीमारी का इलाज भी बताओ। अभी बताता हूँ, जो तुम्हारा काम है आनंद भैया जो तुम करो, और जो खुदा का काम है उस बेचारे को करने दो। सलीम बेटे, चाचा को सलाम किया कि नहीं अभी तक? अरे किया उसने सलाम, लेकिन तुमने मौका कहाँ दिया उसके सलाम का जवाब देने का। कैसे हो बेटा? आपकी दुआ है। पढ़ाई कैसे चल? आनंद भैया, तुम्हारी दुआ और अल्लाह के फजल से सलीम पढ़ाई के लिए अमरीका जा रहा है। अच्छा, जरा जमा के इसके पीठ पे थप्पा लगा दो कि पढ़ाई के बाद अगर कुछ बने तो तुम्हारे जैसा मर्द बन। हाँ, बनेगा, जरूर बनेगा। कादर मियां, ये तुम्हारा बेटा है और शेर का बच्चा गीदड़ नहीं निकलता। सलीम बेटे, चचा से इजाजत ले लो, इन्हें ज्यादा बकबक करने की इजाजत नहीं है, डॉक्टर ने मना किया। चलो चलो चलो, जल्दी करो। मुझे दुआ दीजिए चचा जान, अगर कोई भी खता हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ आनंद भैया? तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं कर रहे, एक ख्याल आ गया। तुम्हारे बेटे ने तो कोई खता नहीं की, लेकिन जो खतावार है वो अपना सर कटवा लेंगे, झुकाएंगे नहीं। Something, something लगता है डर। कौन है? तू डर? पहले दिल टकराए। गोविंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। भाभी, कमरा इधर नहीं, उधर है तुम्हारा कमरा। उधर? हाँ भाभी, कल तो मेरा कमरा इधर ही था, उधर कैसे चला गया भाभी? पता नहीं, कमरा इधर से उधर। तुम धक्के खाते हुए क्यों चल रहे हो? भाभी, मैं बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ भाभी, स्ट्रेट। तुमने पी है क्या? नहीं भाभी, मैंने कहाँ पी है, वो तो सारे दोस्त ने पिला। छोड़ दो मुझे भाभी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें इस हालत में देखने, तुमके दिल पे क्या गुजरेगी? कौन? ओ डैडी, क्या गुजरेगी? डैडी ने कहा वो मुझे भेजने वाले अमेरिका फॉर फॉरेन स्टडीज, फर्दर स्टडीज। भाभी, वहां के तौर तरीके यहीं से मैं स्टार्ट कर लूँ तो व्हाट इज द प्रॉब्लम भाभी? वो विलायत के तरीके भाभी आदमी देश में सीख ले ना तो विदेश में कम तकलीफ होती है भाभी। ओ डैड, हाय। मेरे कमरे में आओ। ओके डैड। डैड, डैड कोई जरूरी काम है डैड? तुम क्यों हर चीज दिल पे लगा लेते हो? इनके कर्म इनके साथ हैं, तुम अपना खून क्यों जलाते हो? इनके अंदर मेरा खून है, इसी कर्म का तो रोना। हमने इन्हें पैदा किया, प्यार दिया, वक्त की आंधियां चली तो अपने शरीर पर झेली, इन्हें हवा तक लगने नहीं दी। इसी दिन के लिए मैंने इनके लिए जायदादें बनाई, दौलत जमा की। दौलत ना होती तो कुछ नहीं होता गायत्री, ये कुत्तों की तरह पड़े रहते। फिर तुमने जायदादें क्यों बनाई, दौलत क्यों कमाई? किसके फायदे के लिए, किसकी खुशी के लिए? छोड़ो ये सोचे, तुम आराम करो। आराम? आदमी सोचता है बच्चे बड़े होंगे, आराम मिलेगा, लेकिन इन्होंने तो मेरे खीना आराम कर दिया, ये कहां आराम देंगे? तू गया तो हर चीज पर पानी फिर गया, बस यही एक उम्मीद बची थी, गोविंद अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, कुछ बनेगा इस दुनिया में, मेरा नाम रोशन करेगा। अगर यही रोशनी है मेरा क्या होगा? कितनी सफाई से मैंने होटल के दाल आटे के हिसाब से 3 लाख निकाले, 3 लाख।
निकालता तो आज हमारा दलिया नहीं हो जाता। तीन रुपए के दूर से तुम बाप की गुलामी छोड़कर अपनी आजादी का ऐलान करने का काबिल हो गए हो। बड़ी ताकत होती है रुपए में। 30 लाख बनाने की तरकीब सोचनी पड़ेगी। मैंने सोच भी दी है तब की। मुझे भी तो बताइए, आजकल सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, इसलिए हमें भी सोने का धंधा करना पड़ेगा। सामग्री सामग्री, यह धंधा है जिसमें एक झटके में आदमी करोड़पति बन जाता है। पर सोने का कारोबार करने के लिए जेब में कम से कम 10 लाख रुपए होने चाहिए। 10 लाख कहाँ से आएंगे? कौन लाएगा? तुम्हारा बाप देगा। कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा। Come in. Good morning, sir. How are you feeling this morning, sir? खिचड़ी में नमक नहीं, घी नहीं। भैया गोविंद बाबू ने चिट्ठी दी थी। क्या है? कुछ नहीं। मुझे डैड, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मेरी भी कोई इज्जत है। मैं आप पर थप्पड़ खाने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए जा रहा हूं। गोविंद। ठीक है जी, रजिस्टर मधु बाबू ने भेजा है। मुबारक हो गायत्री, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है अपने हाथ से खत नहीं लिखता, बाकी उसे नोटिस भिजवाता है। उसे हिस्सा चाहिए मेरी जायदाद मेरी दौलत का। वैसे मैं इन कमीनों को एक पैसा नहीं दूंगा। ये तो वो है जो जिस दरख्त की छांव में बैठते हैं उसी पे आरा चलाते हैं। मेरे पास जो कुछ है सब कमला के नाम लिख दूंगा। तुम एक भगत बड़े प्रेम से मेरे लिए कुछ बना के लाया था, मैं बड़े प्रेम से वो तुम्हारे लिए लेके आ गया। क्या है ये? तुम्हारी अपनी पसंद खीर। खीर? हाँ? नहीं नहीं, ये बना है मेरे लिए। क्यों? मीठा बंद है, शक्कर की बीमारी है। डायबिटीज है? फिर तो चाय और कॉफी भी शक्कर के बिना पीते होगे। चाय और कॉफी पीना ही मना है। क्यों? अंतड़ियां जरा खराब हो गई हैं। तो क्या हुआ? पुलाव, बिरयानी, समोसे, कचौड़ियां। नहीं नहीं, बस बस, वो सब भी मना है। ये कमबख्त ब्लड प्रेशर भी तो जान पे सवार है। फिर खाते क्या हो? दलिया बिना शक्कर के, खिचड़ी बिना नमक के और भाजी बिना घी के। फीका खाना आदमी कितना खा सकता है? फिर बाकी पेट ठंडे पानी से भरते हो क्या? ठंडा पानी पीना भी मना है। क्यों? इसिनोफीलिया। ओह, अब तुम खड़े क्यों? आराम से बैठो ना। नहीं भाई, तुम बड़े आदमी हो, पहले तुम बैठो। यहाँ बैठना कौन सा आसान है, अंगारों पे बैठना पड़ता है। क्यों? हिंदी में बताना बुरा लगता है इसलिए अंग्रेजी में कहता हूँ, पाइल्स। हाँ हाँ हाँ, बवासीर अच्छा शब्द नहीं। क्या हुआ? मारा गया गरीब। कौन कहता है मैं गरीब? मैं कहता हूँ दौलत के हिसाब से तुम अमीर सही, जहाँ तक स्वास्थ्य का संबंध है बहुत गरीब हो तुम। पिछले पापों का परिणाम। कौन से पाप? मैंने कोई पाप नहीं किए। ये सब क्या है?
ये मौत को परे करने के सामान है, मेरी दवाइयां हैं। इतनी बहुत सी दवाइयां? बीमारियां भी तो कम नहीं है। ये क्या है, छोटी छोटी सुंदर शीशियां? ये देखो, वो है टेरामाइसिन, एक्रोमाइसिन, लैडामाइसिन, गैरामाइसिन, और ये है। तुम बहुत तेज बोलते हो भाई, मैं संकट में पड़ गया हूँ। जरा आहिस्ता से बताओ मेरे भाई, नाम तो याद रहने चाहिए। हाँ वो तो याद रहने चाहिए, कभी तुम्हें भी जरूरत पड़ सकती है। ये देखो, ये है टेरामाइसिन, टेरामाइसिन वो, और ये एक्रोमाइसिन, एक्रोमाइसिन, और ये है लैडामाइसिन, लैडा माय सिन, और ये है गहरा माय सिन। गहरा? ओहो भाई, माय सिन। हाँ समझ गया। क्या समझ गया? माई का अर्थ जानते हो? मेरा। इनका मतलब पाप, और माय सिन का मेरा पाप। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ये सारी चालाकी इसलिए कर रहे थे कि मैं अपनी जबान से मान जाऊं ये बीमारियां नहीं मेरे पाप हैं, है? चालाकी की जरूरत क्या है, तुम स्वयं कई बार कह चुके हो माइसिन माइसिन माइसिन। माइसिन अंग्रेजी लफ्ज है। देखो आनंद, पाप ना हिंदुस्तानी होता है ना अंग्रेजी, वो केवल पाप होता है। अब तुम्हें मालूम हुआ तुमने यहाँ पहुंचने के लिए क्या खोया? दौलत आ गई परंतु सेहत चली गई। याद करो, जब तुम इस महल में नहीं पुराने छोटे से मकान में रहते थे तब कितने खुश थे तुम। आराम तो बहुत है इस घर में, परंतु खुशी किस कोने में रहती है? क्या चुना रही है? कुछ नहीं। तुम भी वही खा रही हो? खिचड़ी बिना नमक के बिना घी? मैं तो सिर्फ देख रही थी स्वाद कैसा है। कायत्री, गंधारी ने अपने अंधे पति की खातिर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, आज तुम भी वही कर रही हो मेरे लिए। ये अच्छा नहीं। अगर तुम बीमार हो गए तो मेरी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसी बात आज नहीं है, फिर कभी न कहना। सौभाग्यवती होती है वो सुमंगली जो पति के कंधों पे दुनिया से जाती है। मालिक, फिर कभी मुझे मालिक कहा ना तो 32 ही बाहर निकाल दूंगा। अरे आज 15 तारीख है ना? हाँ आनंद बाबू। ये लो तुम्हारे बच्चों की फीस के लिए ये 500 रुपया। तुम इंसान नहीं भगवान हो आनंद बाबू। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं, सच्ची बात है। तरक के नीचे हमारे तंगी टूट जाए के बाद तो हमका नौकरी न देते तो हम तो बेकारी बन गए होते। हमारे बच्चों कॉलेज नहीं जा पाते, दरबदर की ठोकर खा रहा होते। आनंद बाबू तो आज तो चरण धुई धुई के पी का चाहे। कभी ऐसी हरकत की ना तो दूसरी टांग ही तोड़ दूंगा। आज मैं बहुत अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ। आनंद बाबू, भगवान तो हर काम जरूर पूरा करे। आइए आइए सेठ जी, आइए। नमस्ते सेठ जी।
धन्य भाग जो आप पधारे। आइए भाई, टेलीफोन पे तो आपने कह दिया तभी ये ठीक है, मगर मुझे विश्वास नहीं हुआ। अब अपनी आंखों से मैंने अच्छी तरह देख लिया तो तसल्ली हुई। तशरीफ रखिए। बॉय जी, चाय लाओ। जी नहीं नहीं, मेरे लिए चाय पीना मना है। तो फिर जो मना नहीं है वो हाजिर किया जाए। बस हमारे होने वाले दामाद से मिला। वो अभी आता है, पास में कॉलेज है ना, वहाँ एक लड़की अचानक बेहोश हो गई, उसी को देख रहा है, अभी आ जाएगा। अच्छा अच्छा। अरे कमला बेटी। अरे अरे अरे, यही कमला बेटी है। जी हाँ, तुम यहाँ कैसे? डैडी वो कॉलेज में खेलते खेलते गिर गई और बेहोश हो गई। क्या, कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बैठिए, मुझे वापस कॉलेज जाना है। चलो। अजी साहब, आपके तो खामखा पसीने छूट रहे हैं। आजकल की लड़कियां तो यूं ही छुई मुई का फूल होती हैं। ऊपर से नहीं शौक होता है पतला होने का, इसलिए खुराक आधी कर देती हैं। अब ये बेहोश नहीं होगी तो हम आप होंगे क्या? आई एम सॉरी डैडी। आओ बेटा आओ। थोड़ा लेट हो गया। इनसे मिलो, यही है कमला के पिता शेख आनंद नारायण जी। अच्छा, तुम मैंने चिट्ठियां तो लिख चुके हो, आज मिल भी लो। लेट टू मीट यू सर। नमस्ते। आइए बेटा। राकेश, सेठ जी तुम्हारी शादी की बात पक्की करने आए हैं, और अब हो भी जानी चाहिए। कमला को तो तुम देख चुके हो, अभी अभी उसका इलाज भी कर चुके हो। तो क्या यही आपकी बेटी कमला है? हाँ बेटा। क्यों, रिश्ता पक्का कर दो? रिश्ता तो पक्का होना ही चाहिए, लेकिन। लेकिन क्या बेटा? उसके साथ जिसे वो प्यार करती है। ये क्या कह रहे हो तुम? आप जोश में आइए, आराम से मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अभी कमला का मुआयना किया है और वो माँ बनने वाली है। नहीं दिनेश, नहीं, मैं टेलीफोन पे नहीं बता सकती मुझे क्या हुआ है। ओफो, तुम समझते क्यों नहीं, मैं टेलीफोन पे नहीं बता सकती। प्लीज तुम फौरन मुझसे मिलो, मुझे तुमसे बात। जान से मारूंगा। किया क्या उसने? उसने मेरे मुंह पे काले पोत दिए। उसकी जान बता तो फिर क्या हुआ? तो नाखूनों से चांदी की जो खान खोदी थी ना, वही आज कब्र बन गई है। मैंने हजार रोका तुम्हें, लेकिन तुम पैसे के पीछे दौड़ते रहे। उस दौड़ में तुम आगे निकल गए, बाकी सब कुछ पीछे रह गया। तुम्हारा घर, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे। जब पैसा नहीं था तुम्हारे पास तो हमारा घर खुशी से गूंजता था। दौलत सामने के दरवाजे से अंदर आई, हंसी पीछे के दरवाजे से बाहर चली गई। तुम भी मुझे कोस रही हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं कोस रही, अपने आप को नोच रही हूँ। कैसे हुआ ये सब कुछ, और मैंने होने दी? पहले तुम्हारे पास वक्त होता था, बच्चों के पास बैठने का, हंसने का, खेलने का। उनके साथ खेलते हुए तुम खुद से बच्चे बन जाते थे। अब तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन वक्त कहाँ? बात बात पे कह देते हो, मेरा एक एक मिनट एक एक लाख का है। मिनट तो पकड़ लिए तुमने, मगर बच्चे निकल गए हाथ से। उन्हें संभालने का, संवारने का तुम्हारे पास समय ही कब हुआ? इसलिए तो ये घर आज नर्क बन गए। You
किसको पैसा मिला, प्यार का बदला मुझे देखो कैसा मिला, प्यार के बदले मुझको पैसा मिला। तुम जानते हो सब, बेटी का दुख बेटों से भी ज्यादा है। तुम्हारा कैसा शौक है कृष्ण महाराज, दूसरों के जख्मों को छेड़ने का, उनमें उंगलियां घुमाने का। तुम किसी न किसी तरह मुझसे ये मनवा लेना चाहते हो। तुम जीत गए, मैं हार गया, इसलिए तो बार बार यहाँ आते हो। आनंद, अब बार बार का आना समाप्त हुआ, इस भेंट को तुम अंतिम भेंट समझो। तुम्हारा कर्ज मौजूद है मेरे सर पे। कर्ज तुम अदा कर चुके हो। कैसे? कर्मा बैंक में दो खाते होते हैं, एक पुण्य का दूसरा पाप का। जो कुछ तुम दान करते हो वो पुण्य के खाते में जमा होता है और मुझे मिलता है। मैंने कौन सा दान किया है जो तुम्हें मिला है? तुमने जो अपने माली को 500 रुपए दिए हैं बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने के लिए, वो मुझे को मिले हैं। अच्छा मैं चला। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस तरह मझधार में छोड़ के मत जाओ। देखो आनंद, ये मझधार भी तुम्हारा बनाया हुआ है, मेरा नहीं। इसमें तुम्हारी नौका डूबेगी या पार होगी ये तुम्हारी अपनी समझ पे है, अपनी शक्ति पे है। इस संसार को कुरुक्षेत्र समझो, जिसमें हर क्षण महाभारत का युद्ध हो रहा है। और कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। भटके हुए अर्जुन भी तुमको, रास्ता दिखाने वाले कृष्ण भी तुम हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। रास्ता दिखाने वाले तुम हो, तुम ही हो। मैं हाथ छोड़ता हूं, मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। फिर तुम वही भूल कर रहे हो आनंद,
पहले तुम अपने धन अपने अहंकार को पकड़ के बैठे थे, अब मुझे पकड़ना चाहते हो, परंतु तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। जैसे सूरज की रोशनी पकड़ी नहीं जा सकती, बुलाई जा सकती है, और उसे बुलाने का तरीका एक ही है, अपने बंद अंधेरे मन के दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो। तुम्हें मालूम है आनंद, तुम्हारे दुख का कारण कहां पड़ा है? तुम्हारे अहंकार में। केवल अहंकार छोड़ दो अपना, अहंकार छोड़ दो। किशन महाराज, तरकश में कोई तीर बाकी बचा हो तो वो भी चला लो, अपनी मां के दिल में, अपने बाप की छाती पर। तुम्हारी कोई हसरत अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें दौलत चाहिए ना, जायदाद चाहिए ना, ये लो, संभालो इसे। मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे नाम। मुझे उम्मीद है तुम पैसों से वो सब खरीद सकोगे जो मैं नहीं खरीद सका, सुख चैन मन की शांति। आओ कादर मिया, तुम हमेशा वक्त पे आते हो। तुम क्यों छुप रही हो? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? चाहिए पिता जी, चाहिए, मुझे मौत चाहिए। आपने कितना प्यार दिया है मुझे और मैंने कितना दुख दिया है आपको। मेरे पाप का यही प्रायश्चित है। अपने हाथों से मेरी जान ले लीजिए पिता जी, मेरी जान ले लीजिए। प्रायश्चित तो इतना आसान। दिनेश इधर आओ। वहां नहीं, यहां। कमला, तुम्हारी सजा यही है, तुम्हें मेरे हाथों मरना नहीं, जीना होगा। इसके साथ की जरूरत नहीं। मैं तुम लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपना कर्ज चुका रहा हूं जो न जाने किस जन्म में मैंने तुम सबसे लिया था। गायत्री, एक कर्ज तुम पे भी बनता है जो तुम्हारी मां का उधार है तुम्हारे सर पे, जिसने अपनी कोख से तुम्हें जन्म दिया। उसका इतना भी हक नहीं बनता कि एक बार उसके सामने तुम अपनी अकड़ी हुई गर्दनें ढीली कर दो और अपना सर उन पांव में झुका दो जिनके नीचे लोग कहते हैं स्वर्ग होता है। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरा ही कसूर है। मैंने बाप का फर्ज नहीं निभाया जिसके कारण तुम्हें नफरत का जहर पीना पड़ा। मैं कभी तुम लोगों का दोस्त, साथी
या राजदार नहीं बना। मैंने अपने बच्चों को दुनिया की वो हर चीज दी जो दौलत से खरीदी जा सकती है, लेकिन प्यार नहीं दिया जिसकी कोई कीमत नहीं, मगर जो हर बच्चे के लिए जरूरी है। और जिसे मैं प्यार समझा था वो प्यार नहीं, मेरा अहंकार था। अहंकार। मैंने सोचा था मेरा गोविंद बहुत पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, एक दिन दुनिया में नाम करेगा। और मेरा मधु एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इतना बड़ा कि मैं अपना सर फकर के साथ ऊंचा करके कह सकूं ये मेरा बेटा है। अपनी बेटी कमला की शादी एक बहुत बड़े घर में करूंगा। मैंने सोचा दौलत के जादू से मैं दुनिया की हर चीज हासिल कर सकूंगा, तकदीरें बदल दूंगा। मगर मैं ये बात कहा था, हर कली अपने वक्त से फूल बनती है और हर फूल अपने ही ढंग से मुस्कुराता है। तुम लोगों का कसूरवार हो, लेकिन सिर्फ एक बात मुझे कहनी है, मैंने तुम लोगों के साथ जो नाइंसाफी की है, जो जुल्म किए हैं, तुम अपने बच्चों के साथ कभी मत करना। और अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ गायत्री। आप इसे वापस ले लीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकेंगे। किसी को इस घर से जाना चाहिए तो हमें जाना चाहिए, आपको। मान जाओ आनंदिया, मान जाओ। ये सब तुम्हारे जिगर के टुकड़े हैं। तुम चले जाओगे तो इनकी देखभाल कौन करेगा? ऊपर वाला करेगा कादर मियां, तुम ही तो हमेशा कहा करते थे। पिताजी, हम अब भी आपके बच्चे हैं। पिताजी, हमें अब भी आपके प्यार की जरूरत है। छोड़ के बच्चे पिताजी, हमें छोड़ के बच्चे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, सिर्फ वो जंजीरें तोड़ रहा हूं जो मैंने अपने हाथों से घड़ी और पांव में पहन ली। काम, क्रोध, मोह और माया की जंजीर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हे दुर्भू, मा ते संगोस्तु अकर्मणी।